साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 2024 का साल आपके लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष मठ के प्रमुख पंडित विनोद गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका पंचांग हर बार चर्चा में रहता है। 2023 में पंचांग में इनकी घोषणाएं सटीक बैठी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहने वाले हैं, क्या भविष्यवाणी इस बार होगी, क्या नज़र आएगा 2024 में, हम पंडित विनोद गौतम से जानेंगे। पंडित जी, 2024 पर सभी की नज़रें, राजनीतिक रूप से यदि हम देखें तो क्या इस बार 2024 में नज़र आने वाला है? राजनीतिक का कारक, ग्रह का जो कारक है मंगल है, वो सुख भाव पर जिस समय पर जन्म हुआ था, नए वर्ष का जन्म चूंकि कन्या लग्न में रात्रि में 12 बजे हुआ और लग्न में केतु विराजमान है, साथ ही राहु की दृष्टि से ये डिस्टर्ब है, लेकिन मंगल पराक्रम में है। ऐसे में देखा जाए तो शनि इस साल पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में विचरण करेंगे। कुंभ राशि शनि महाराज की स्वयं की राशि है और शनि महाराज अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश है, तो ऐसे में मान लें कि ये जो 2024वां वर्ष है वो पूरा का पूरा शनि के अधीन रहने वाला है। शनि प्रधान है और जब भी प्रधान कोई वर्ष होता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर न्याय बढ़ती है, न्याय की स्थितियां बढ़ती हैं। साथ ही जो चूंकि शनि अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो वर्ष है ये न्याय व्यवस्था में कसावट लाने वाला होगा, साथ ही सभी को न्याय प्राप्त होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजर डालें तो किसको फायदा होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखा जाए तो ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरण चौ, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं भारत पर केंद्रीय प्रभाव जो डाल रही हैं, उसमें पूरे वर्ष भर में 3 ग्रहण पड़ेंगे। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं देखे जा सकेंगे, फिर भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। देखा जाए तो पूरे वर्ष में 10 चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, वर्तमान समय पर अभी एक चतुर्ग्रही योग बनने वाला है 10 तारीख को, जो कि राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा है रामलला जी की, उसके पूर्व 10 दिन पहले 12 दिन पहले ही चतुर्ग्रही योग का बनना ये शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि एक राशि यदा यांतौ चत्वारा पंच खेच रहा पिलवंत मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा, कहते हैं कि एक ही राशि पर 4 या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। फिलहाल हम विषय पर आते हैं कि आपका स्पष्ट अगर देखा जाए तो 2028 की स्थितियां तक जो ग्रह की योग के निर्माण बता रही हैं वो अभी भाजपा के पक्ष में जा रही हैं, साथ ही भाजपा के प्रधानमंत्री जो वर्तमान समय पर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके भी निश्चित तौर पर अजय होने की पूरी पूरी स्थितियां ग्रह गोचरी उनके अपने हाथ में लिए हुए हैं। ऐसे में जो उनका भाग्य बल है, कर्म बल है और साथ ही जो उनका राष्ट्र बल है वो बढ़ता जाएगा और भविष्य में देखा जाए कि मिशन के तहत भारत को फायदा होगा, भारत विश्वगुरु की ओर पथ पर बढ़ता ही है और उसको ये उसका प्रतिफल भी प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी, इसके अलावा यदि हम ग्रहणों की बात करें तो इस बार कौन से महत्वपूर्ण ग्रहण होंगे जो राशियों को प्रभावित कर सकते हैं? अनुराग जी, आप देखिए बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में आपने काम किया है, तो ऐसे में चूंकि आपके प्रश्न के अनुसार एक बहुत ही ऐतिहासिक में आपको भविष्यवाणी कर दूं कि 2001 से हमारे अगर ज्योतिष मठ संस्थान के अनुसंधान को देखा जाए तो 2001 से लेकर के 2050 ईस्वी अर्थात 50 वर्ष के ग्रहणों पर अगर अनुसंधान करें तो 2024 ईस्वी एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि ग्रहण तो होंगे लेकिन भारत में ही नहीं दिखाई देंगे, अर्थात 50 साल के बीच में 4 ही ऐसे वर्ष थे, 2014, 2021 और 2024 और साथ ही 2026, इसके बाद 2026 ईस्वी एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें ग्रहण तो होंगे लेकिन भारत में नहीं दिखाई देंगे। जैसे 2024 में ग्रहण तो हैं, 3 ग्रहण पड़ेंगे लेकिन भारत में नहीं दिखाई दिए हैं, अर्थात 50 वर्ष में ये 4 वर्ष ही ऐसे हैं जिसमें भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दिए, तो ये 2024 एक ऐसा वर्ष माना गया है जिसमें ग्रहण नहीं दिखाई दिए हैं, तो ये चूंकि ग्रहण का ना होना और भारत में नहीं दिखाई देना ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है। पंडित जी, इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसका भविष्य क्या नजर आ रहा है 2024 में, किस तरीके का भविष्य इंडिया गठबंधन का रहने वाला है? जा वेद लोके न चरा चरानी गुल्लिम लतावर भूमिर करानी,
प्रकृत्याम बसांताम तरण सृष्टि रूपम, ये सृष्टि का स्वरूप है, ये बनता बिगड़ता रहता है। तो निश्चित तौर पर जो संभावनाएं हैं इसके अनुसार इसमें परिवर्तनशील हैं, और किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो ये प्रश्न है ये आपका पूर्ण पूर्व प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, अतः ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो इसमें अभी वर्तमान समय पर कोई भी क्षेत्रीय दल संगठित होकर के भी मोदी के ग्रह योगों का सामना नहीं कर सकता। राहुल गांधी जो दोबारा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कोई असर नजर आएगा? राहुल गांधी का भविष्य कैसा नजर आ रहा है आपको? हाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व समय पर अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा है, जिससे वो अपने प्रसिद्धि कार्यों को करने में पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वर्तमान समय पर जो ग्रह योगों का प्रभाव उनके ऊपर से टला है वो उनको गंभीरता दे रहा है, गंभीरता प्रदान कर रहा है। ऐसे में चूंकि जो शनि है वो पूरे वर्ष भर अपने न्याय की राशि में रहेगा, और न्याय की राशि में रहने से शनि की जो स्थिति है वो न्यायपूर्ण है, और चूंकि ये न्याय यात्रा से संबंधित इन्होंने जो प्रयोग रख किया है और न्याय यात्रा से संबंधित जो कार्यक्रम रखा है वो शनि से संबंधित कार्यक्रम है, और शनि ऐसे कार्यों में सहयोग प्रदान करता है, तो भले ही धीरे धीरे ही ना सही इनकी जो है तो छवि में एक विशेष तौर का परिवर्तन आएगा और लोगों को का भरोसा इनके ऊपर बढ़ेगा। पंडित जी, जो लोग शुभ कार्य 2024 करना चाहते हैं उनके लिए सुझाव यानी कैसा रहने वाला है और किस समय में कैसे समय में किस तरीके से वो शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, 12 राशियों में सभी ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, सभी जातक 12 राशियों में समाये हुए होते हैं। देखा जाए तो वर्ष 2024 में जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो मकर, कुंभ और मीन तीन राशियों पर रहेगा, और अढ़ैया शनि का जो प्रभाव है वो कर्क और वृश्चिक राशि पर रहेगा। तो इन राशि वालों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही जो वर्ष का जो राजा है वो इस समय पर मंगल है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो नया वर्ष है वो प्रारंभ हो जाएगा, और नए वर्ष के प्रारंभ के पश्चात ही 4 अप्रैल के पश्चात हमारे जो ग्रहों का विभाग है उनका बंटवारा हो जाएगा। तो इस वर्ष जो संबद 2081 ईस्वी का जो नया संबद है उसके जो राजा हैं वो मंगल रहेंगे और मंत्री शनि हैं, तो शनि मंगल में आपस में पटती नहीं है, अतः राजा और प्रजा के जो प्रशासक वगैरह हैं इसमें थोड़ा सा असंतोष की स्थितियां रहेंगी, अर्थात कर्मचारी वर्गों में हड़ताल धरने और अपने मांगे मानवाने जैसी जो है तो स्थितियां अनेक बार निर्मित होंगी। और देखा जाए कि अगर वैभव की स्थिति देखी जाए तो किसान अगर संपन्न तो देश संपन्न, तो इस साल का जो आर्द्रा का जो प्रवेश है वो 22 जून को तट पर हो रहा है, और चूंकि जो आर्द्रा का जो वास है वो का तट पर है, और ऐसे में वरुण नाम का जो मेघ है वो वर्षा करा रहा है, और जो वर्षा का जो वाहन है वो बसुकी नाम का मेघ दे रहा है, मतलब तो ऐसे में श्रेष्ठ वर्षा के योग बना रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो हमारे जो दशाधिकारी हैं, जैसे कि हमारा जो राजा है, मंत्री हैं, मेघेश है, रसेश हैं, तो मेघ जो स्वामी है वो भी शनि महाराज को प्रदान किया गया है। तो ऐसे में जो दशाधिकारियों में से 7 ग्रह क्रूर ग्रहों को दिए गए हैं और 7 विभाग और 3 ग्रह सौम्य ग्रहों के पास में हैं, तो अशांति और तनाव की स्थितियां तो देश में निर्मित होंगी ही, और हालांकि भारत जो है तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं झेलेगा, और विश्व युद्ध में विश्व शांति की ओर भारत ही एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो ज्योतिष मठ के प्रमुख हैं पंडित विनोद गौतम, और इनके मुताबिक 2024 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई तरह की घटनाएं होंगी जो कि इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, लेकिन कई मायनों में ये साल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।